सूरदास के पद इस प्रकार है। अख्या हरि दर्शन की भूखी, कैसे रे रूप रस राची, ये बतिया सुनी रूखी। अवधि गणत इकटक मग जोवत, तब एती नहीं झुकी। अब इन जोग संदेशन उठो, अति उकलानी दुखी। पारु पे मुख फेरी दिखाओ, दुहे पे पिबत पतुखी। सूर सिकत हटी नाव चलायो, ये सरिता ही सुखी। राची का अर्थरंगी हुई, अवधि का अर्थ समय, मग का अर्थ रास्ता, पाय का अर्धदूत, सरिता का अर्थ नदियाँ। प्रसंग इस प्रकार है। प्रस्तुत पद सूरदास द्वारा रचित भ्रमर गीत से लिया गया है। इसमें व्यवतित गोप्या उद्धव से अपनी विवशता बतलाती है। व्याख्या इस प्रकार है। आख्या हरि दर्शन की भूखी, गोप्या उद्धव से कहती है कि हमारी आँखें प्रियतम कृष्ण के दर्शनों की भूखी है। कैसे रहे रूप रस राची, ये बातियाँ सुनी रूखी। तुम्हारे द्वारा निर्गुण साधना की रूखी बातें सुनकर ये हमारी श्री कृष्ण के रूप रस में रंगी हुई आंखें कैसे रह सकती है। अवधि गणत इकटक मग जोवत, तब एती नहीं झुकी। प्रथम कृष्ण के मथुरा से लौट आने की अवधि की गणना करने और एकटक आगमन मार्ग देखते रहने से भी ये हमारी आंखें इतनी व्यतीत नहीं हुई है जितनी तुम्हारी रूखी बातें सुनकर दुखी हुई है। अब इन जोग संदेशन उद्धव अति उकलानी दुखी। हे उद्धव, अब तुम्हारे योग साधना के उपदेश या संदेश को सुनकर ये अत्यधिक व्याकुलता से दुखी हो रही है। बारुक में मुख फेरी दिखाओ, धुए पै पिबत पत्थु की। अब तुम एक बार गायों को धोकर दोने में ताजा दूध पीने वाले श्री कृष्ण का मुख दिखलाओ, अर्थात एक बार उन्हें हमारे पास ले आओ। सूर सिकत हटी नाव चलायो, ये सरिता ही सुखी। सूरदास के वर्णन के अनुसार गोप्या कहती है कि हे उद्धव, हम तो श्री कृष्ण के बिना सूखी नदी के समान हैं, अतः मैं हृदय रूपी सूखी नदी में अपनी योग रूपी नाव को हठपूर्वक क्यों चलाना चाहते हो, अर्थात क्यों व्यर्थ की योग साधना का उपदेश दे रहे हो। विशेष इस प्रकार है। इसमें अनुप्रास, रूपक और कावलिंग अलंकार का प्रयोग किया गया है। दूसरा पद इस प्रकार है। निर्गुण कौन देश को बासी, मधुकर हंसी समुझाए, सोहदे बुस्ती सांझ न हासी, कोहे जनक जन्नी को कैयत, कौन नारी कोदासी। केसो बरन बे से केसो, कहिए रस्मे अभिलाषी, पाओगे पुनी क्यों आपने जोरे, कहोगे गासी। सुनत मौन हव्वे रहियो, ठगियो सो सूर सभी मति नासी। जनक होता है पिता, जननी होती है माता, गासी होता है देना, पूछती है पूछना। प्रसंग इस प्रकार है। प्रस्तुत पद सूरदास द्वारा रचित भ्रमर गीत से लिया गया है। इसमें गोपिया अपने भोलेपन के साथ ही वाक चातुरी से उद्धव के ब्रह्म ज्ञान की खिल्ली उड़ाती है, अर्थात मजाक उड़ाती है। वे किस प्रकार है। निर्गुण कौन देश को बासी, निर्गुण निराकार ब्रह्म की भक्ति करने का उपदेश देने वाले उद्धव से गोपिया पूछती है कि हे उद्धव, तुम जिस निर्गुण की बातें कर रहे हो वह किस देश का निवासी है। मधुकर हंसी समुझाए, सोहदे बूझती सांझ न हासी। हे मधुकर, हमें अच्छी तरह से समझा कर कहो कि हम इसके लिए तुम्हें शपथ देती है, हम ये बात तुमसे सत्य भाव से पूछ रही है, तुम्हारी हंसी नहीं कर रही है। को है जनक जननी को कैयत, कौन नारी को दासी। तुम्हारे उस निर्गुण ब्रह्म का पिता कौन है, उसकी माता कौन है उसकी पत्नी और कौन है उसकी दासी। केसो बरन भे से केसो, कहिए रस्मी अभिलाषी, उसका रंग कैसा है, उसकी वेशभूषा कैसी है तथा वह किस रस का अभिलाषी है। पाओगे पुनी क्यों आपने जोरे, कहोगे गासी। यदि तुम इन प्रश्नों के उत्तर देने में कोई असत्य बात कहोगे तो अपने किए फल का फल भोगोगे। सुनत मौन हुए रहियो, ठगियो सो सूर सबे मति नासी। कवि सूरदास वर्णन करते हुए कहते हैं कि गोपियों के ऐसे वचन सुनकर उद्धव ठगे गए व्यक्ति के समान मौन हो गए और कुछ उत्तर नहीं दे सके। उन्हें ऐसा लगा कि उन गोपियों की समझ बुद्धि ही नष्ट हो गई है, क्योंकि निर्गुण ब्रह्म अर्थात निराकार ब्रह्म की साधना सांसारिक मोहमाया से ही परे है। विशेष इस प्रकार है। इसमें अनुप्रास और आक्षेप अलंकारों का सुंदर प्रयोग हुआ है। तीसरा पद्य इस प्रकार है। बिनु गोपाल बैरिन भय कुंजी, तब ये लता लगती अति शीतल, अब भय विषम ज्वाला की पूंजी। व्रता बहती जमुना खग बोलत, व्रता कमल फूले अली गुंजी। पवन पानी घनसार
संजीवनी दधिसूत किरण भानु भय भुंजे। ए उद्धो कहियो माधव सो विरह कदन करी मारत लूंजे। सूरदास प्रभु को मग जोवत आख्या भय बरंजू गूंजे। घनसार का अर्थ होता है कपूर। शीतल का अर्थ होता है शीतल। जमुना का अर्थ होता है यमुना। विषम का अर्थ होता है भयंकर। प्रसंग इस प्रकार है। प्रस्तुत पर सूरदास द्वारा रचित भ्रमर गीत से लिया गया है। इसमें गोपियों की व्रव्यथा का वर्णन कर उनकी व्यतीत मनोदशा की मार्मिक अभिव्यक्ति की गई है। व्याख्या इस प्रकार है। बिनु गोपाल बैरिन भय कुंजे। व्रव्यथा से पीड़ित गोपिया प्रियतम कृष्ण का स्मरण करते हुए कहती है कि गोपाल के अभाव में या गोपाल के बिना रसयुक्त क्रीड़ाओं के आधार ये कुंज भी आज हमारे लिए शत्रु है। अर्थात श्री कृष्ण के विरह में श्री कृष्ण के बिना हमें ये जो क्रीड़ाएँ और ये कुंज है वह हमारे शत्रु प्रतीत हो रहे हैं। तब ये लता लगती अति शीतल अब भय विषम ज्वाल की पुंजे। प्रथम कृष्ण के संयोग के समय ब्रज की ये लताएँ अत्यंत ही सुखकारी अनुभव होती थी, किंतु अब विरह दशा में ये हमें प्रचंड अग्नि की लपटों के समान लग रही है। व्रता बहती जमुना खग बोलत प्रथा कमल फूले अली गुंजे। यमुना का स्वच्छंद प्रवाह कोकिल की मधुर स्वर लहरी कमलों का प्रफुल्ल विकास भोरों का मधुर गुंजार आज ये सब हमारे लिए व्यर्थ है। पवन पानी घनसार संजीवनी दधिसूत किरण भानु भय भुंजे। शीतल पवन कपूर और अमृतमय चंद्र की किरणें आदि समस्त शीतल उपकरण आज हमें सूर्य की किरणों के समान संतप्त कर रहे हैं अर्थात तपा रहे हैं। हे उद्धव कइयो माधव से विरह कदन करी मारुत लुंजे। हे उद्धव श्री कृष्ण से कहना कि उनके विरह ने कचोट कर हमें विकलांग बना दिया है। सूरदास प्रभु को मग जोवत आख्या भय भरंजू गूंजे। सूरदास कहते हैं कि गोपियों ने कहा कि कृष्ण की बाढ़ ज्योति ये आंखें गुंजा के समान लाल वर्ण की हो गई है, अर्थात उनके विरह में हम जीवित होते हुए भी मृत्यु के समान हो गई है। विशेष इस प्रकार है। इसमें अनुप्रास उपमा और कावलिंग अलंकार का प्रयोग हुआ है। वियोग श्रृंगार रस की हृदय स्पर्शी वर्णन किया गया है।